ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है खरगोन से, जहां पर 1500 मजदूर हड़ताल पर चले गए। इस वक्त की बड़ी खबर, 1500 मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी पिछले 15 साल से एक ही बोनस दे रही है। आपको बता दें कि सेंचुरी यार्न एंड डेनिम के ये मजदूर हैं, 1500 मजदूर हैं जो कि हड़ताल पर चले गए। उनका आरोप है कि कंपनी 15 साल से एक ही बोनस दे रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता फरीद शेख से। फरीद, आखिर कब से ये 1500 मजदूर हड़ताल पर चले गए और क्या बोनस की ही मांगे या इसके अलावा कोई और भी मांगे इनकी? गाड़ी जी, मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम सेपरेटी के जो हाईवे टेक सेंचुरी एंड डेनिम कंपनी है, जिसमें 1500 से अधिक मजदूरों ने काम पर जाना बंद कर दिया। ये कल दोपहर बाद इन्होंने निर्णय लिया और काम पर जाना बंद किया। इनकी मांग मुख्य तौर पर ये है कि जो बोनस इन्हें दिया जा रहा है वो कंपनी द्वारा, वो काफी लंबे समय से बहुत कम दिया जा रहा है। आमतौर पर जो मजदूर संघ होते हैं वो बीचवान बनकर इनके अभी समझौता करवा देते हैं और इनसे हस्तक्षेप करवा लेते हैं। कई समय से ये लोग काफी कम बोनस को लेकर काम कर रहे हैं। वहीं इस बार ये स्वयं आ गए हैं यहाँ पे, किसी भी संघ को आगे ना लाते हुए स्वयं आगे आए और इन्होंने अपनी मांग रखी है कि इन्हें बोनस जो उनकी होता है उसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से दिया जाए। भागवत जी, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो बोनस दिया जा रहा है मात्र 2000 से 2200 का लगभग बोनस है, जबकि इनकी सैलरी के हिसाब से बोनस देखा जाए तो कम से कम 10 से 12 हजार रुपए का बोनस बनता है। कहीं ना कहीं कंपनी बहुत बड़ी राशि, अगर मजदूरों की संख्या के हिसाब से देखें तो काफी बड़ी राशि को लेकर आगे नहीं आ पा रही। जी फरीद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 1500 मजदूर कम बोनस देने के चलते हड़ताल पर है। उनका ये कहना है कि उनका बोनस बढ़ाया जाए, जो कि पिछले 15 साल से एक ही बोनस दिया जा रहा है मजदूरों को।